गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जीके क्विज कार्यक्रम में, जिसका नाम है जीके क्विज। और आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यूज, जो कि आप डेली जिसका प्रसारण चूंकि सुबह होता रहा, समय परिवर्तन के साथ इसको रात्रि कालीन समय पर इसको शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए ठीक है, सभी अगर कक्षाओं की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं, तो हम बात करेंगे सकारात्मक और प्रेरणादायक ऊर्जा की जो क्लास है, जिसका व्याख्यान ऋषभ सर द्वारा होता है। ये क्लास को संचालित मतलब प्रसारित किया जाएगा सुबह यानी प्रातः 10 बजे। 10:20 से आपकी अगली कक्षा प्रसारित होगी, जो कि मैथमेटिक्स के ऊपर आधारित होगी और जो कि विवेक सर द्वारा उस कक्षा को प्रसारित किया जाता है। जीके क्विज की जो कक्षा आप देख रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, ये क्लास आपको मिलेगी, यानी ये कक्षा आपको दैनिक मिलेगी रात्रि 8 बजे से। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज प्रोग्राम में। मैं राम तिवारी आपके सामने लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यूज। ओके, तो शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आपके सामने कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मतलब विशेषता क्या थी। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ, इसकी सबसे बड़ी इस सुधार की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले बात करें भारत शासन अधिनियम 1919, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जिसे जाना जाता है। तो देखिए क्या है कि इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस नियम के अंतर्गत केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों में के मध्य में शक्ति का विभाजन कर दिया गया था। यानी केंद्र के साथ साथ जो रियासतों के केंद्र के और रियासतों के साथ साथ जो मतलब कि द्वैध शासन है, ये रियासतों के मध्य में भी जारी कर दिया गया था। कहने का अर्थ ये है कि प्रांतीय जो परिषदें थीं, है ना, तो प्रांत में भी द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था, डाल दिया गया था। ये सबसे बड़ी इस अधिनियम की विशेषता थी। ठीक है, यानी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्यारे भारतीयों बात करें तो देखिए, पहली बार इस सुधार में पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई थी। साथ ही साथ हमेशा याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ही पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था। क्लियर हुआ यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, तो आपका ऑप्शन सही होगा सी वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। देखिए, UP SSC सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में इसको पूछा गया था कि संविधान के प्रस्तावना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन एक बार देखिएगा आप सभी लोग, आमुख प्रलेख, नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांत, या फिर ये सभी, है ना। तो मतलब कहने का अभिप्राय है कि आमुख क्या है, किसे कहते हैं आमुख। तो प्यारे भारतीयों बात करें तो देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है, यानी प्रेम्बल कहते हैं इसको। ठीक है, प्रेम्बल कहते हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे प्यारे भारतीयों। देखिए प्रेम्बल क्या है, तो देखिए इस प्रस्तावना में ना मतलब बात करें तो देखिए, आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक चीज़ों का क्या है, समावेशन है। यानी कि क्या है कि देखिए, जैसे कोई भी आप मतलब कि फीचर लेखन देखते हो, कोई भी फीचर्स, कोई लेखन है, कोई आर्टिकल है, उससे पहले थोड़ा संक्षेप में कुछ परिचय होता है कि ये किस विषय पर आधारित है, ये मतलब कथानक क्या है इसका। ठीक है, तो वो जो आपका प्रेम्बल है वो आमुख है। तो आप कह सकते हो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो आमुख कहा जाता है। ठीक है, यानी वो क्या है, एक विशेष प्रकार का परिचय है। यानी कोई फीचर लेखन होता है तो फीचर लेखन के पहले जो परिचय दिया जाता है वो आपका प्रेम्बल कहलाता है, यानी आमुख कहलाता है। इसी प्रकार आपकी भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी आपका क्या है, आमुख कहलाएगा। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, हिंद महासागर का सबसे बड़ा गर्त कौन सा है, इसे NTPC 2021 में पूछा गया था। सेसेल्स डीप, डायमेंटेना गर्त, या फिर जावा गर्त, या फिर अंटार्कटिक गर्त। और प्यारे अभ्यर्थियों सही बात करें अगर कि हिंद महासागर में कौन सा सबसे बड़ा गहरा गर्त है, तो वो है आपका जावा गर्त। ठीक है, जावा गर्त की बात करेंगे, यानी सी ऑप्शन आपका प्यारे भर्तियों बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने एक दिन बात की थी इसी प्रश्नोत्तरी में कि मरियाना ट्रेंच कहाँ पर स्थित है। तो मरियाना जो ट्रेंच है, यानी मरियाना जो गर्त है, ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसमें मैंने कहा था कि ये सबसे मतलब कि धरती में सबसे बड़ी गहराई का मतलब एक गर्त है, इसे गड्ढा कहा जा सकता है। अगर हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा गहरा गर्त है वो आपका जावा गर्त है। क्लियर हुआ। इसे सुंदा गर्त के नाम से भी जानते हैं, सुंदा गर्त के नाम से भी जानते। बात करें प्यारे भारतीयों इसके गहराई की, तो इसकी जो गहराई है वो आपकी 7187 मीटर है। 7187 मीटर
7187 मीटर, यानी कि हम बात करें तो ये कितनी आपकी लगभग 7 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी मतलब गहराई होगी। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। ग्रुप डी 2022 से पूछा गया, 2017, 2011, 2013 या फिर 2015। तो प्यारे भर्तियों देखिए बात करें सही उत्तर की, तो सही उत्तर होगा कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई। तो बंधन बैंक की स्थापना हुई, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही, यानी 2015 में इसकी स्थापना हुई। प्यारे भर्तियों तो देखिए भारत की एक जो है तो एक बैंकिंग और वित्तीय सेवा जो कंपनी है, भारत की बैंकिंग और जो वित्तीय सेवा कंपनी है जिसे मतलब कि जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना प्यारे अभ्यर्थियों 23 अगस्त 2015 को हुई थी। इससे पहले की अगर पृष्ठभूमि अगर इसकी जाने बंधन बैंक की, तो देखिए पश्चिम बंगाल ने क्या किया था कि जो बंधन फाइनेंशियल जो सर्विस जो चलता था पहले, है ना, इसी बंधन फाइनेंशियल सर्विस का नाम बदल करके बंधन बैंक कर दिया गया। कब कर दिया गया? 23 अगस्त 2015 को कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपके पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपके सामने कि पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। लाइपोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज या फिर लिपिड्स से बनी होती है। एसएससी जेई 2020 में पूछा गया था। और प्यारे भर्ती सही उत्तर होगा आपका सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ठीक है, यानी सेल्यूलोज, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे सेल्यूलोज की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो देखिए जो कोशिका भित्ति होती है सेलवाल कहते हैं, तो ये पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, यह मोटी तथा क्या है? निर्जीव है, मतलब इसमें कोई ऐसे सजीवता के गुण नहीं पाए जाते, निर्जीव है यह मुख्यतः जो है। तो ये जो सेलवाल होती है, कोशिका भित्ति होती है पादपों की यानी वृक्षों की, तो ये आपकी मुख्यतः जो है सेल्यूलोज से निर्मित होती है। ठीक है, और ये पारगम्य भी झिल्ली होती है। ठीक है, सेल्यूलोज की अगर बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थी, तो जो सेल्यूलोज होता है तो एक विशेष प्रकार का जटिल पदार्थ होता है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। तो अगले जो है तो अगला सवाल है आपके सामने प्यारे अभ्यर्थियों कि LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है, इसका पूर्ण रूप क्या है। CHSL 2021 में पूछा गया था इसको कि LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है, इसका पूर्ण रूप क्या है। लाइट कंपोनेंट डिवाइस, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या फिर लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले। और प्यारे भर्तियों सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। LCD का जो पूरा नाम है, LCD की बात करेंगे प्यारे भर्तियों, तो एक कंप्यूटर के मॉनिटर के रूप में LCD का इस्तेमाल करते हैं, TV के रूप में करते हैं, मोबाइल कैलकुलेटर्स घड़ियों में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो एक LCD है, तो LCD आपका ना एक पतला एक समतल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लिक्विड क्रिस्टल हुआ करते हैं। ठीक है, इसमें लिक्विड क्रिस्टल हुआ करते हैं जिनके जो ऑप्टिकल गुण है, इसके ऑप्टिकल गुण विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बदल जाते हैं, अपने ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। ठीक है, LCD के अगर उपयोग की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो कैलकुलेटर है, मोबाइल फोन डिवाइस है, TV है, इन जगहों पर क्या है, कुछ जो आधुनिक जो कैमरे हैं इनमें क्या है कि LCD का प्रयोग होता है। LCD का पूरा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इस सवाल को पूछा गया था CHSL 2021 में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने MTS 2019 में पूछा गया कि निम्न में कौन सी ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। और यहां पे प्यारे भारतीयों वर्ली, सांझी, पट्टचित्र और मधुबनी की अगर हम बात करें, तो सही उत्तर होगा आपका पट्टचित्र, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। प्यारे भारतीयों पट्टचित्र जो है ये आपके ओडिशा की एक लोकप्रिय कला है। ठीक है, बात करें तो देखिए पट्टचित्र जो है ना, तो कैनवास में की जाने वाली एक विशेष प्रकार की चित्रकला है जो समृद्ध रंगों का प्रयोग जिसमें होता है, रचनात्मक रूपांकन और साथ ही साथ एक उत्तम और अच्छी क्वालिटी के डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब चूंकि बात यह है कि जो आपकी ओडिशा की जो प्रसिद्ध जो लोक चित्रकला है, ये GI टैग से भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है, इसे एक बार GI टैग भी मिला था। तो पट्टचित्र जो आपका है, ये पट्टचित्र आपका ओडिशा का संबंधित है, मधुबनी आपके बिहार से संबंधित है, वर्ली आपके मुंबई की मतलब प्रचलित लोक कला है। प्यारे भर्तियों आठवें प्रश्न की ओर चलेंगे। UPPCS 2018 में पूछा गया था, ये UPS स्पेशल के क्वेश्चन है प्यारे भर्तियों, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर या फिर प्रयागराज। और सही उत्तर होगा प्यारे भर्तियों कानपुर। कानपुर की बात करेंगे प्यारे भर्तियों, तो देखिए एलिम्को की बात करेंगे प्यारे भर्तियों, तो देखिए 1972 में मतलब भारत सरकार द्वारा स्थापित जो है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण विकास निगम एलिम्को जो है, तो देखिए भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय आपके कानपुर में स्थित है।
ठीक है। यहीं पर क्या है कि दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग, जो कृत्रिम अंग होते हैं, कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है, साथ ही साथ जो अन्य दिव्यांगों के जो सहायक उपकरण होते हैं, चाहे वो व्हीलचेयर हो या अन्य चीज़ें हो, इनका भी निर्माण आपके कानपुर नगर में ही होता है, ठीक है। एलिम्को कंपनी का नाम है, एलिम्को की स्थापना आपकी 1972 में हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। UPPCS 2018 में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, बुक्सा, खरवार, माहगीर या फिर थारू। और प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर होगा आपका कौन सा, थारू। थारू जनजाति जो है तो उत्तर प्रदेश में, अगर जनजातियों की अगर संख्या, अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो थारू जनजाति की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा। तो प्यारे अभ्यर्थियों, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर जनजातियों में अगर सर्वाधिक अगर संख्या वाली अगर कोई जनजाति है तो वो है आपकी थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है ना, इसका लगभग बात करें तो पूरे मतलब कि कुल जनजातियों में लगभग 77%, कुल जनजातियों का 77% जनजाति यहाँ पर निवास करती है। बात करें इनके निवास स्थान की तो देखिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में इनका सबसे ज़्यादा निवास होता है। दूसरे स्थान पर अगर बात करें कि थारू के बाद कौन सी दूसरी जनजाति है तो वो है प्यारे अभ्यर्थियों आपकी बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है और थारू जनजाति के बाद दूसरे स्थान पर आती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति अगर कोई निवास करती है तो वो है आपकी थारू जनजाति। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है आपके करंट अफेयर का कि 20 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कितना मतदान हुआ है, 45.32%, 57.51%, 62.78% या फिर 70.25%। और प्यारे भर्तियों, बात करें देखिए अभी हाल ही में क्या है कि 5वें चरण का जो मतदान हुआ है 20 मई 2024 को, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो देखिए 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को साथ में लेकर के जो चुनाव संपन्न हुआ, इसमें बहुत सारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ है। और बात करें कि 5वें चरण में कुल कितना मतदान हुआ है तो प्यारे भर्तियों, सही उत्तर होगा आपका 57.51% जो है तो मतदान रिकॉर्ड किया गया है इस 20 मई 2024 को, जो 24 का जो लोकसभा का 5वें चरण का चुनाव हुआ है, इसमें 57.51% का मतदान रिकॉर्ड किया गया है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि इब्राहिम रायसी, जिनका हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है, वो किस देश के राष्ट्रपति थे, वियतनाम, मिस्र, इराक या फिर ईरान। और प्यारे भर्तियों, सही उत्तर की अगर बात करें तो देखिए ईरान, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करिएगा आप सभी लोग, ठीक है, यानी कि जो आपके इब्राहिम रायसी थे वो आपके ईरान के राष्ट्रपति थे। क्लियर हुआ यहाँ पे आपका। तो प्यारे भर्तियों, बात करें देखिए 19 मई 2024 को ईरानी राष्ट्रपति आपके इब्राहिम रायसी की उत्तर पश्चिम ईरान में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी अप्रत्याशित मृत्यु ने क्या किया कि ईरान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पर एक विशेष प्रकार का गहरा प्रभाव डाला है, क्योंकि ईरान के अंतर्गत इब्राहिम रायसी की जो छवि थी वो शायद वर्तमान में एक अच्छे राजनेता के रूप में जाने जाते थे। इस प्रकार से अप्रत्याशित घटना घटित होना ईरान के लिए एक बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। तो ये था हमारे आज का क्विज। बात करते हैं अब आज के सवाल की। तो प्यारे अभ्यर्थियों, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कल के सवाल की। तो देखिए कल का सवाल था, आपसे मैंने पूछा था रेले आयोग 1902 किसमें सुधार करने के लिए नियुक्त किया गया था, मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कल की क्लास में। तो प्यारे अभ्यर्थियों, अगर बात करें सही उत्तर की तो इसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए थे। सही उत्तर इसमें था आपका कि शिक्षा व्यवस्था, सूखा प्रबंधन, न्यायिक व्यवस्था, ये किससे संबंधित था प्यारे अभ्यर्थियों, तो शिक्षा व्यवस्था से संबंधित था आपका रेले आयोग, जो कि 1902 में भारत में आया था। क्लियर हुआ। आप सभी अभ्यर्थियों ने, चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा अभाव है कि मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब भी दिया है, ठीक है, तो आप सभी अभ्यर्थियों ने जो इसका सही उत्तर दिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी बिल्कुल ऐसे ही जारी रखिएगा, ठीक है। अब सुनिएगा आज का सवाल। आज का सवाल है आपके सामने कि चित्रकूट जलप्रपात, ध्यान से सुनिएगा आज का सवाल कि चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन सुनिएगा, यमुना, नर्मदा, मंदाकिनी या फिर आपकी इंद्रावती नदी। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, यमुना, मंदाकिनी, नर्मदा या फिर इंद्रावती, ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों। साथ ही साथ इसके बारे में जरूर विश्लेषण करके बताइएगा कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर है। बात करें तो ये कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी जलप्रपात की, तो ये सभी चीज़ें अगर आपको अगर आकलन हो तो आप कमेंट